हेलो फ्रेंड, मऊ लाइव में आपका स्वागत है। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जीके अड्डा 4 वीडियो के कोई भी विजेता नहीं मिल पाए हैं, इसलिए हम जवाब देने आ गए हैं। तो हमारा पहला सवाल था, हॉकी में पेनाल्टी स्टॉक कितनी दूरी से मारा जाता है? तो वो है 8 गज, मतलब 6.4 मीटर की दूरी से मारा जाता है। हमारा दूसरा सवाल था, कौन सी जनजाति वृक्षों पर निवास करती है? तो उसका जवाब है पिग्मी। और हमारा तीसरा सवाल था, ब्रज भाषा क्या है? तो उसका जवाब था पश्चिमी हिंदी। और हमारा चौथा सवाल था, 21:3 है तो 574:1 क्या? इसका आंसर है 82:82। हमारा पांचवा सवाल था, ए डी का भाई है, डी बी का पिता, बी सी बहने हैं, तो सी का ए से क्या रिश्ता है? और इसका जवाब है चाचा भतीजी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और एक ज़रूरी सूचना, हमारे सवालों के जवाब देने के लिए आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक है, वहां देना। मऊ लाइव में आपका स्वागत है। हमारे जीके अड्डा 3 वीडियो के विजेता हैं, फर्स्ट पे आए हैं मोहम्मद अजहर, और सेकेंड पे आए हैं मोहम्मद जुनैद, और थर्ड पे आए हैं फरीद अंसारी, और फोर्थ पे हैं नदीम। मऊ लाइव में आपका स्वागत है। मैं MD दिलसाद। ज्ञान से मिलेगी पहचान के संदेश को लेकर आज हम फिर आए हैं 5 सवाल लेकर। 5 सवालों के सही जवाब देने वाले को मिलेगा पेटीएम कैश। तो आइए सवाल शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है मैथ से रिलेटेड, और ये आसान भी है और मुश्किल भी। अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको आसान लगेगा। तो हमारा पहला सवाल है ये। तो हमारा पहला सवाल ये है, 11 में 2+ करने पर 1 होगा, कहाँ और कैसे? आइए बढ़ते हैं आगे। अगर आपके आसपास में कोई अच्छी पकवान बन रही हो तो आप नाक से सुगंध ले सकते हैं, पर ऐसी क्या चीज़ है जो अपनी टांगों से सुगंध लेती है? तो इसी से रिलेटेड ये मेरा सवाल है। हमारा दूसरा सवाल है, वह कौन है जो हर चीज़ का स्वाद अपनी टांगों से लेता है? आइए बढ़ते हैं आगे। अब आपको बताना है मेल और फीमेल में क्या अंतर है। तो हमारा तीसरा सवाल है, मर्द और औरत में क्या अंतर होता है? आइए बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ, और ये भी मैथ से रिलेटेड है और ये थोड़ा सा टफ है। तो आइए हम बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ। 30, 46, 78, 126, 190, 270 अगला नंबर क्या होगा? आइए बढ़ते हैं आगे। हमारा पांचवा और आखिरी सवाल, और ये रीजनिंग से रिलेटेड है। तो हमारा पांचवा सवाल है, और ये है पांचवा सवाल, EXCUSE अनुपाते CXEESU है तो ERODES अनुपाते क्या होगा? इसी सवाल के साथ अब हम अलविदा लेते हैं, और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो का सवालों के जवाब जो है कमेंट बॉक्स में ना देते हुए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक है उसमें दें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। गुड बाय।